हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं शबनम और आप सभी का स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी करारे फिश के पकोड़ों की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिश के पकोड़े बनाने वाले हैं और सर्दियों में तो इसको बनाना बनता ही है। बहुत ही मज़ेदार और करारे ये पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, ये कितने क्रिस्पी बनते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो लिए हैं बोनलेस फिश। इसको मैंने विनेगर के पानी में डिप कर दिया था, जिससे इसकी स्मेल भी आउट हो गई है और ये बहुत अच्छे से क्लीन भी हो गई है। अब हमें इसे करना है मैरिनेट। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसके अंदर नींबू स्क्वीज कर देंगे और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। इन तीनों चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, क्योंकि इसे हमें ज़्यादा मैरिनेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसका करेंगे मसाला तैयार। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन। 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर बेसन ले लेंगे। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्न स्टार्च, जिससे हमारे पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून डाल लेंगे काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिए हैं अजवाइन, जिसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है, ये इसमें ऐड कर लेंगे। और 1 टीस्पून इसमें ऐड कर लेंगे नमक। अब इन मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए आप फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इससे भी बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे। और इसको हल्का सा स्पाइसी करने के लिए मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। इससे हमारे पकौड़ों की लुक और टेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। इधर 15 मिनट हो चुके हैं फिश को रखे हुए, तो ज़्यादा मैरिनेट करने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिश हमारी बहुत जल्दी से टेंडर हो जाती है। तो बस हमें एक एक करके फिश का पीसेस लेंगे और इस तरह से मसाले से इसको कोट करेंगे। अच्छी तरह से मसाले को हमें इस पर लपेटना है, इस तरह से प्रेस करते हुए। तो ये देखिए, इस तरह से हमें सभी फिश पीसेस को कोट कर करके रख लेना है। आप यकीन जानिएगा, ये कोटिंग बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेगी। आपके पकोड़े इतने ज्यादा क्रिस्पी होंगे कि आपको खाने में मजा ही आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सारे फिश पीसेस अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं मसाले से। ये बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। तो बस अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन के अंदर ऑयल को तेज़ गरम कर लिया है और तेज़ गरम ऑयल में ही हमें इसे पहले ड्रॉप करना है। तो एक एक करके अपने फिश के पीसेस को हम इसमें ड्रॉप कर देंगे। फ्लेम को मैंने इस वक्त हाई ही किया हुआ है। हाई फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट तक कुक करेंगे और इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसको फ्लिप करेंगे। तो जितने फिश के पीसेस हमारे इस पैन के अंदर अच्छे से अरेंज हो जाएंगे, हम इसमें ऐड कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, 1 मिनट तक मैंने इसको हाई फ्लेम पर इसी तरह से कुक कर लिया है बिना छेड़े। 1 मिनट के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे इस तरह से हम फ्लिप कर देंगे। देखिए, आप देख सकते हैं हमारी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं हटी है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको 1 मिनट तक बिल्कुल मत छेड़िएगा, उसके बाद आप इसको फ्लिप कीजिएगा। तो अब हमने मीडियम फ्लेम कर दिया है। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक हमारे पकौड़े अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते और इसका गोल्डन कलर नहीं हो जाता। तो दोस्तों, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं उनको फ्राई होते हुए मीडियम फ्लेम पर और अब हमारे फिश के पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं इनकी कोटिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है। बहुत ही चटपटे, मसालेदार और करारे हमारे ये पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। मैं इसको एक स्ट्रेनर पर निकाल रही हूँ ताकि जितना भी इसमें एक्सेस ऑयल हो वो सब ड्रेन हो जाए। तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं हमारे ये पकोड़े।
बस सेम इसी तरह से हम अपने बाकी के फिश के पकोड़े भी फ्राई कर लेंगे। सेकंड बैच भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, तैयार है हमारे बेहद मज़ेदार क्रिस्पी और करारे फिश के पकौड़े। आप भी इसको करें ज़रूर ट्राई। अभी सर्दियां बाकी हैं तो आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। इसकी कोटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है और काफ़ी क्रिस्पी लेयर बनकर तैयार होती है। ये देखिए कितने अच्छे से टेंडर हुई है फिश और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं हमारे ये पकौड़े। आप इसे टी टाइम में भी सर्व कर सकते हैं या फिर स्नैक्स में भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी आपको ये लगेंगे। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाना चाहूँगी कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो दोस्तों, करारे करारे पकोड़े हैं तैयार। आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें दही वाली हरी चटनी और प्याज के साथ। इसको खाने में आपको मज़ा ही आ जाएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ आती हैं पसंद तो आप इनको लाइक कीजिएगा, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इनका लिंक्स आपको मेरे चैनल की इन्फो में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी में, तब तक आप सभी रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।